हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में देखेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको कैसे देना है। दीज आर सम इंस्ट्रक्शन द स्टूडेंट नीड्स टू फॉलो। तो स्टेप वन, स्टूडेंट कैन गिव द एग्ज़ाम फ्रॉम द स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, अगर आप टैब है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से दे सकते हो। रिमेंबर यू हैव टू हैव द कैमरा ऑन। पॉइंट टू, स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू कॉपी द लिंक एंड ओपन इन गूगल क्रोम। पॉइंट थ्री, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो एग्ज़ाम का है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वाया ईमेल या एंड वाया मैसेज आएगा आपको। पॉइंट नंबर फोर, आप जब लॉगिन करते हो तब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। एक टाइमर है सेट होता है जब आप स्टार्ट करते हो एग्ज़ाम। 60 सेकेंड के टाइमर के बाद एग्ज़ाम आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, या फिर आप सबमिट कर सकते हो आपके एग्ज़ाम को, विच एवर इज़ अर्लीस्ट। पॉइंट नंबर फिफ्थ, आपको ऑप्शन दिया जाएगा जो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपका राइट आंसर मार्क करना है। एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑप्ट कर सकते हो, एंड आपको स्किप का बटन आएगा जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो। स्टेप सिक्स के अंदर एक क्वेश्चन चार्ट रहेगा, बिलो नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्प्ले होगा उस पर। जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो वो ग्रीन पर कन्वर्ट होगा, जो क्वेश्चन इज नॉन अटैम्प्टेड वो रेड में रहेगा। सो नाउ वी गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फर्स्ट हम वो लिंक पर जाते हैं। एज आई सेड बिफोर, वो लिंक आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर रहेगा या फिर मैसेज पर रहेगा। सो दिस इज माई ईमेल आईडी, दिस इज द यूआरएल लिंक जो मुझे कॉपी करना है और गूगल क्रोम में खोलना है। दिस इज द यूज़र आईडी एंड दिस इज माई पासवर्ड। यू आर रिक्वेस्टेड, आप ये आईडी जो है एक पेपर पर लिख लीजिए, आईडी एंड पासवर्ड दोनों। कॉपी दिस लिंक। सो मैं ये लिंक कॉपी कर रही हूँ। आई ओपन इन क्रोम, दिस इज़ अ गूगल क्रोम। रिमेंबर आपको ये लिंक क्रोम में ही ओपन करना है। आई क्लिक ऑन द क्रोम, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। आपके जितने भी टैब्स ओपन रहेंगे प्लीज़ क्लोज कीजिए और एक न्यू टैब में ये लिंक ओपन करो। एनरोलमेंट नंबर जो मैंने आपको लिखने बोला था पेपर पे, वो एनरोलमेंट नंबर डालना है आपको। यहाँ पे मैं मेरा एनरोलमेंट नंबर डाल रही हूँ, आप आपका एनरोलमेंट नंबर डालिए। आपका पासवर्ड एंटर करना है आपको। एंड आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है, आपको अलाव करना है। ठीक है, यू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है। ये पेज पे रुकना है, बैक नहीं जाना है। अलाओ कैमरा के लिए ऑप्शन आ रहा है, आपको अलाओ करना है। ये आपका एग्ज़ाम ऐसा दिखेगा। ये टाइमर है जो सेट किया हुआ है, टाइमर स्टार्ट्स। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके आंसर्स है। आपको यहाँ पे टिक करना है आपका करेक्ट आंसर। फॉर एग्जांपल ये आंसर है तो मैं यहाँ पे बॉक्स में सेलेक्ट कर रही हूँ, आंसर में सेलेक्ट हो गया। क्लिक ऑन नेक्स्ट, सो दैट सेकेंड क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख सकते हो ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चंस है। मैं ऑप्शन सेलेक्ट करना है मुझे, मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आ गया। एज आई वॉज मैंशनिंग अर्लियर, आपको यहाँ पे बॉक्स आएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्प्ले हो जाएगा आपको बॉक्स के अंदर। जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है वो ग्रीन हो गए, जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो रेड डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन स्किप करना है आप स्किप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 31 आंसर करना है तो मैंने 31 पे क्लिक किया है। यहाँ ऊपर देख सकते हो 31 क्वेश्चन आया, मैंने आंसर सेलेक्ट किया है, मैंने नेक्स्ट किया। दिस इज हाउ आप एक ही क्वेश्चन आपका आंसर कर सकते हो। लाइकवाइज
नाउ आई एम गोइंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. मैंने आंसर सेलेक्ट किया. आई गो ऑन नेक्स्ट. या मुझे बोला नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 50, नंबर ऑफ अटेम्प्टेड 4. ठीक है, आई कैन गो बैक एंड सेलेक्ट द आंसर्स. जो मैंने आंसर नहीं किया हुआ है गो बैक करके मैं देख सकती हूँ. मैं प्रिव्यू कर सकती हूँ मेरे ऑल द आंसर्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम क्लिकिंग ऑन गो बैक. मेरे 50 आंसर है जो मैंने आंसर किया था. मेरा 49th क्वेश्चन है. इफ़ आई वॉन्ट आई कैन आंसर इट. मैंने आंसर कर दिया. लाइकवाइज आप एक बार चेक कर सकते हो आपका आंसर बिफोर यू सबमिटेड. मैंने आंसर कर लिया. आई गो ऑन नेक्स्ट. नाउ आई वॉन्ट टू सबमिट माई आंसर पेपर. तो मैं सबमिट करूँगी. आई क्लिक ऑन सबमिट. रिमेंबर आपको दो बार सबमिट करना. एक वहाँ पे सबमिट किया, इट लास्ट यू आपको कन्फर्मेशन ऑफ सबमिटिंग. क्लिक ऑन सबमिट एग्जाम अगेन. ये पेज पे आपको रुकना है. प्लीज़ ये पेज बंद मत करना या बैक नहीं जाना है आप पे. जब ये मैसेज आएगा दैट मीन्स आपका एग्ज़ाम सबमिट हो गया है. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.